Okay. बहुत मजा आ रहा है, एकदम ठंडा एनवायरमेंट है, एकदम ठंडी 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 हवा चल रही है और आप देखिए गुड मॉर्निंग और मे बी गुड आफ्टरनून टू यू. स्वागत है आपका नए वीडियो में. ये आज दोपहर के ऑलरेडी 4 बज गए, सो मैं अभी होटल में ही हूँ. अभी मैं बस निकल रहा हूँ. यहाँ से मैं होची में आ गया था सुबह अराउंड 10 बजे के अराउंड. यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे सो नीचे गया, फिर होटल पे कमरा लिया मैंने अराउंड 12 एंड मैं फिर सो गया था. मैं काफ़ी टायर्ड था. वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर, जो मतलब मेरा होटल था वो वॉकिंग स्ट्रीट में था, तो वहाँ से बाहर निकलते ही आजू बाजू में काफ़ी सारे लोकल मार्केट थे. मैं इधर उधर थोड़ा देखा और फिर उसके बाद फिर मैं शॉपिंग मॉल में गया. मुझे कुछ शॉपिंग करने का मन था बट लग्जरी वहाँ पे काफ़ी सारी आइटम थी और लग्जरी ब्रांड्स वहाँ पे काफ़ी सारी थी. मैं अंदर गया फिर मैंने देखा कुछ ऐसा देखा जो आप देख के काफ़ी हैरान हो जाओगे. तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ. How much for this? $6,400,000. It's a made in India. A lot of Koch products. Made in India, देखा और मैंने price देखा. Made in India तो ठीक है, वहाँ पर इंडिया की कपड़ा पहनते ही है. But बाहर में जाके you know कोई दूसरे देश में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में इतना अच्छा चीज़ मिलता है, बट फिर भी हमें लगता है कि बाहर की आइटम होगी इम्पोर्टेड होती तो वो अच्छी होती. नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है. एक्चुअली में ना इंडिया का क्वालिटी है ना वो भी अच्छा है अगर अच्छे ब्रांड से लो तो. बाकी प्राइस जो था वो इतना ओवर प्राइस लगा, मतलब काफ़ी सारी सैलरी इसमें चली जाती मेरी. और बाहर निकलते ही एकदम लाइट्स थी और नाइट की एक अलग ही वो जो होती है ना वाइब, वो एकदम मस्त वाइब आ रही थी. और डेकोरेशन उसमें था आजू बाजू में न्यू ईयर का, तो वो एक अलग ही मज़ा आ रहा था.
ये सारा सेलिब्रेशन एक्चुअली जो लाइट्स लगी हुई है का लूनार न्यू ईयर चाइनीज़ कैलेंडर में जो आता है जनवरी के एंड में, तो उसके लिए ये लोग ने पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी से ये पूरा लाइट वगैरह इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हो ये एक एलईडी शो है। यहाँ पे अगर आप जाना चाहो तो ये फू माई हंग एरिया में है विद तमिल लैंग्वेज में, और अगर आप स्टार लाइट ब्रिज भी सर्च करते हो गूगल पे तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये पास में ही पड़ता है, आप वॉकिंग स्ट्रीट से हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता है बाइक। और यहाँ पे रात को आधा एक घंटा एकदम मस्त लाइट्स होती है, ब्लू लाइट्स होती है, और यहाँ पे फाउंटेन भी है, लोटस शेप्ड यहाँ पे फाउंटेन है जो पहले के फ्रेंच टाइम पे यहाँ पे एक कैनाल हुआ करती थी, अभी यहाँ पे फाउंटेन बना दिया है। तो एक अलग ही अंदाज है, आप देखिए एक बार, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को दोनों को ही मिक्स करता हुआ एक अलग ही नज़ारा है। बहुत मजा आ रहा है, एकदम ठंडा एनवायरनमेंट है, एकदम ठंडी 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 हवा चल रही है। और आप देखिए पूरा मार्केट जो है कपड़ों की दुकानों से भरा पड़ा, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप आ जाओ। मेक श्योर करना आप के अकाउंट में कम से कम लाखों रुपए हो, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रांच यहाँ पे है उतनी ज़्यादा कलेक्शन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है इसको वॉकिंग स्ट्रीट बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट करके बुलाया जाता है। लोकेशन है इसका डिस्ट्रिक्ट 1 में, और आजू बाजू में काफ़ी सारी होटल्स हॉस्टल्स, और पूरा एरिया जो है वो बैकपैकर एरिया है, तो आपको रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। एडवांस में बुकिंग कर लेना 1 या 2 महीने पहले, और नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट के लिए ये जगह एक नंबर है।
आप थाईलैंड मलेशिया की भी मार्केट आप जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो भूल जाओगे, इतनी अच्छी यहाँ पे यू नो सेफ्टी भी है और स्कैम से भी थोड़ा बच सकते हो। थाईलैंड में काफ़ी सारे स्कैम होते हैं, यहाँ पे इतने मैंने स्कैम्स नहीं देखे। हाँ, कुछ रेड लाइट एरिया है वहाँ पे जाओगे तो होगा, अदरवाइज़ ये पूरी स्ट्रीट जो है वो सेफ है पूरी। और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आपको लाउड म्यूज़िक, क्लब्स, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेगी और नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये हेवन है पूरा। बाकी यहाँ पे स्ट्रीट पे काफ़ी सारी परफॉर्मेंस होती है, म्यूजिशियंस आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं और स्ट्रीट पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंस होते हैं और लोकल और टूरिस्ट यहाँ पे दोनों ही इतना एंजॉय करते हैं। कल्चर जो है यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंट है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।